साउंड आ रही है अभी? आवाज आ रही है आप सभी को? साउंड आ रही है? ओके ओके, आई होप अभी सब कुछ क्लियर होगा। आई थिंक सब क्लियर है, अभी हम हमारा सेशन जो है उसको स्टार्ट कर सकते हैं। एक बार लास्ट बार मैं आप सभी से पूछती हूँ, अगर सब कुछ क्लियर है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, ताकि हम आज का जो हमारा सेशन है उसको स्टार्ट कर सकें। ओके, इज इट फाइन नाउ? अभी सब कुछ क्लियर है तो सेशन को हम स्टार्ट कर सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है, ओके, तो सब क्लियर है। ओके, चलिए तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। वैसे देखा जाए तो लेक्चर 4 होगा ये, पार्ट 4 मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के क्रैश कोर्स का। लेकिन उससे पहले एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर आपको देना चाहते हैं, एंड इट्स रिगार्डिंग प्लस। अगर आपने प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो आप यहाँ पर प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और ये जो प्लस सब्सक्रिप्शन है आप लोगों को काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि प्लस सब्सक्रिप्शन में सभी टॉप एडुकेटर्स जो हैं वो पढ़ा रहे हैं। जिस तरह से हम एक चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर सब्सक्रिप्शन होता है, और वो जो सब्सक्रिप्शन है इसके ज़रिए जितनी भी लाइव क्लासेस प्लस पर ली जा रही हैं वो सभी आप एक्सेस कर पाएंगे। इसके साथ साथ वीकली क्विज है, डाउट क्लियरिंग सेशंस हैं, इसके साथ आपको स्टडी मटेरियल वगैरह सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिलेंगी। सो इस पर मैं भी पढ़ा रही हूँ, आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री के जो कोर्सेज हैं वो मैं प्लस पर ले रही हूँ। अगर आप यहाँ पर डिस्काउंट चाहते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन पर, तो आप मेरा रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं, ARTI1702। इसके साथ अगर आपके क्रेडिट्स हैं, मतलब आप फ्री लेसन्स अनअकैडमी ऐप पर देखते हैं, तो उसके साथ साथ आपको क्रेडिट्स भी मिलते हैं। उन क्रेडिट्स, वो जो क्रेडिट्स कितने भी आपके इकट्ठे हुए हैं उसके आधार पर भी आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिलेगा। और अगर आप मेरा ये रेफरल कोड यूज़ करेंगे तो इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलने वाला है। यहाँ पर आप मंथली बेसिस पर, एक मंथ के बेसिस पर सब्सक्रिप्शन कर सकते हैं, 6 मंथ्स का भी सब्सक्रिप्शन है, इसके साथ साथ 1 साल का सब्सक्रिप्शन भी आप कर सकते हैं। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर आप यहाँ पे सब्सक्रिप्शन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो लेक्चर होगा वो लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम नेशनलिस्ट मूवमेंट्स की शुरुआत करने वाले हैं, यानी 1858 से 1905, जो कि मॉडरेट फेस कहलाता है, उसको आज हम बहुत ही अच्छे से कवर करेंगे। एंड फिर से मैं आपको बता देती हूँ, ये पूरा जो क्रैश कोर्स है ये यहाँ पर मैंने बिपिन चंद्र की जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की बुक है वो भी, एंड स्पेक्ट्रम जो है उसको, दोनों को लेकर ये क्रैश कोर्स तैयार किया है, जिसमें हम सभी चीज़ों को काफ़ी अच्छे से कवर करेंगे। तो यहाँ पर अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट 4, जिसमें हम नेशनलिस्ट मूवमेंट्स के बारे में बात करेंगे, जो कि 1858 से 1905 के बीच में हुए। अब देखो, इसको स्टडी करने से पहले हमें थोड़ा सा भारत की सिचुएशन को समझना पड़ेगा, कि आखिर भारत के जो लोग हैं, अब नेशनलिस्ट का मतलब क्या होता है? नेशनलिस्ट का मतलब तो ये हुआ कि पूरा का पूरा नेशन जो है वो यहाँ सामने आने वाला है, और उनका जो कॉमन एनिमी है यानी कि ब्रिटिशर्स, उनके खिलाफ खड़े होने वाला है। तो इट मीन्स हमको क्या करना पड़ेगा, हमें पहले सभी लोगों को एक नेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पूरे भारत को एक नेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आखिर वो कौन से फैक्टर्स रहे जिसकी वजह से ये नेशनलिस्ट मूवमेंट्स की शुरुआत होती है, उनको भी हमें थोड़ा सा स्टडी करना है। ठीक है,
देखिए, ये जो नेशनलिज्म है इसकी शुरुआत आखिर कैसे हुई? अगर हम एक एक करके सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखें तो हम किसानों के बारे में देख सकते हैं। एक किसान, उसको यहाँ पर काफ़ी सारी लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज के अंडर रख दिया जाता है, जैसे कि हमने यहाँ पर परमानेंट सेटलमेंट जो लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज, यहाँ पर तीन तरह की पॉलिसीज सामने रखी गई। यहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट है, इसके साथ साथ रैयतवाड़ी सेटलमेंट है, महलवाड़ी सेटलमेंट है। ये सब सेटलमेंट्स आखिर कर क्या रही थी? ये एक तरह से किसान को सप्रेस करती जा रही हैं। मनी लेंडर्स को एक तरह की छूट दे दी गई है कि अगर वो यहाँ पर लोन चुकाने में कामयाब ना हो कोई भी किसान, तो उसकी ज़मीन को जब्त किया जा सकता है। ज़मींदारों को यहाँ पर छूट दे दी गई है कि अगर एक व्यक्ति यहाँ लैंड रेवेन्यू समय पर ना दे पाए तो उसकी ज़मीन को जब्त किया जा सकता है। इट मीन्स एक किसान जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है इस पर्टिकुलर समय में, जो भी ब्रिटिशर्स के द्वारा लैंड रेवेन्यू पॉलिसी सामने रखी गई। दो समय का अगर खाने की बात की जाए तो वो भी वो उस समय इकट्ठा नहीं कर पा रहा है। दूसरी ओर अगर हम आर्टिशंस की बात करें, क्राफ्ट्समैन की बात करें, तो ये आर्टिशंस और क्राफ्ट्समैन आखिर करते क्या हैं? ये आर्टिशंस एंड क्राफ्ट्समैन जो हैं, इनका काम जो है बिल्कुल ठप हो गया है। ठप कैसे हुआ? हम जानते हैं कि यहाँ पर ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया था, एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट होने के बाद उन इंडस्ट्रीज में, उन फैक्ट्रीज में जो भी चीज़ें मैन्युफैक्चर हो रही थी उनको मार्केट की ज़रूरत थी। मार्केट यानी कि उनको अपना मैन्युफैक्चर्ड गुड कहीं ना कहीं तो बेचना होगा, और कहीं ना कहीं बेचने के लिए उनको यहाँ पर कुछ कंट्रीज़ की भी ज़रूरत है जहाँ पर वो मार्केट सेटअप कर सके, और भारत जो है वो एक अच्छा ऑप्शन था उनके लिए। तो उन्होंने इंडिया में ही ये सब चीज़ें यानी मार्केट्स जो है सेटअप करनी स्टार्ट कर दी, जिससे ब्रिटेन से जो माल है वो यहाँ पर क्या किया जाए, भारत में बेचा जाए। हमारी जो कंट्री है वो प्राइम एक्सपोर्टर के तौर पर रही है पिछले टाइम में, मतलब पहले से, हमेशा से भारत जो है वो एक हद तक हम कह सकते हैं कि सेल्फ सफिशिएंट थी। कुछ चीज़ें थी जो कि यहाँ पर हम क्या करते थे, इंपोर्ट करते थे, जैसे कि चाय वगैरह है जो कि चाइना से हम इंपोर्ट कर लिया करते थे। लार्जली बेसिस पे कहा जाए तो भारत एक सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी के तौर पर हमेशा से रहा। लेकिन ये जो चीज़ें बदलती जा रही हैं, ये जो ब्रिटिशर्स जो यहाँ पर रूल करने आ गए हैं, उसकी वजह से यहाँ पर हम एक्सपोर्टर के बजाय इम्पोर्टर बन गए। इवन क्या किया जाता था, आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ चीज़ें जो हैं वो बदल रही हैं। जैसे अगर हम एक वीवर का एग्जाम्पल लें, जो कपड़ा बुनता है, एक बुनकर का यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल लें, तो उसको कपड़ा बुनने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको कपड़ा यहाँ पर बुनने के लिए एक चीज़ ये करनी होगी कि उसको रॉ कॉटन की ज़रूरत है। अब रॉ कॉटन की अगर बात की जाए तो ये रॉ कॉटन जो है इसकी बिक्री के ऊपर पूरी तरह से ब्रिटिशर्स ने अपना हक जमा लिया, जिसकी वजह से रॉ कॉटन को बहुत महंगे दाम पर वीवर्स को यानी बुनकर जो थे उनको बेचना पड़ता था। जब वो कपड़ा बुनकर तैयार कर लेते थे तो अब वो अपना सामान बेचेंगे, यानी कि मैं अगर बुनकर हूं तो मैंने यहां पर पहले तो रॉ कॉटन था उसको बहुत महंगे दामों पर बेचा, लेकिन जब कपड़ा तैयार हो गया है तो जब मैं बेचने निकलती हूं अपना कपड़ा तो मुझे बहुत ही कम दाम पर उसे बेचना पड़ता है। इट मींस दोनों तरीके से ही हम फंस गए, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे आर्टिशंस जो थे, बहुत सारे यहाँ पे क्राफ्ट्समैन जो थे, उनका काम पूरी तरह से ठप हो गया, क्योंकि वो चीज़ें बनाते थे हाथ से, और यहाँ पर ब्रिटेन से जो चीज़ें आ रही हैं वो यहाँ पे बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा बनाई जा रही हैं, और उनका जो रेट होता था वो काफ़ी कम होता था। तो अगर इंडियन मार्केट्स की बात की जाए तो पूरी तरह से आप ब्रिटेन का जो माल है वो यहाँ पर देखेंगे। इवन अगर हम यहाँ देखें रॉ कॉटन जो है वो हमें कभी भी यहाँ पे क्या नहीं करना पड़ा है, कभी हमें दूसरी किसी कंट्री से इंपोर्ट नहीं करना पड़ा है। अब क्या हो रहा है ना, यहाँ पर हम क्या करते हैं, रॉ कॉटन उगाते हैं, इसके साथ साथ हमें नील की खेती यानी कि इंडिगो उगाने पर मजबूर किया जाता है, यानी वो रॉ मटेरियल जो कि ब्रिटेन में जो कंपनीज, जो इंडस्ट्रीज वहाँ पर इस्टेब्लिश हुई है, वहाँ पर जिन रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत है वो सारी चीज़ें भारत में उगाई जाने लगी। ये जो आर्टिशंस है और क्राफ्ट्समैन हैं, ये अपना काम कुछ नहीं कर पाए, तो इसी वजह से इन्होंने खेती की ओर अपना रुख कर लिया, और इस वजह से क्या होता है, जो ज़मीन है उसके ऊपर एक तरह का प्रेशर आने लगा। हम कह सकते हैं एक तरह का प्रेशर जो है वो डेवलप होने लगता है ज़मीन पर, क्योंकि खेती जो है उसमें बहुत सारे लोग जो हैं अब वो क्या करने लग गए हैं, जुड़ने लग गए हैं। ऐसा होने पर क्या होगा,
ज़्यादा से ज़्यादा लोग खेती करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा फसल होगी तो उस फसल का दाम जो है वो मंडियों में कम हो जाएगा। जैसे अगर 100 kg अगर टमाटर जो है वो उगाए जाते हैं, अगर बहुत सारे लोग खेती में जुड़ गए तो 200 kg टमाटर उगाए जा रहे होंगे, तो उससे क्या होगा है? जब कोई चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है तो उसके रेट जो है वो गिर जाते हैं। तो यही चीज़ हुई कि यानी पूरी तरह से डिस्ट्रेस होती जा रही, पूरी तरह से ऑप्रेस होती जा रही है आम जनता। और वो ये समझ गई थी कि इन सब चीज़ों के पीछे का कारण आखिर कौन है? ब्रिटिशर्स का जो रूल है वही। दूसरी ओर अगर हम आए ऐसे लोगों के पास जो कि वर्कर्स हैं, यानी कि जो यहाँ पर कंपनी इस्टेब्लिश की जा रही है, ब्रिटिश कैपिटलिस्ट जो हैं यहाँ पर कंपनियों में क्या कर रहे हैं, अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ब्रिटिश कैपिटलिस्ट क्या करते हैं, वहाँ पर कुछ वर्कर्स जो हैं रिक्रूट किए जा रहे हैं। और ये जो वर्कर्स हैं ये यहाँ पर जब भी इनके साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है तो ये स्ट्राइक करते हैं, बाकी सारी चीज़ें करते हैं, ठीक है, यहाँ पर ये काम करने से मना कर देते हैं। लेकिन ब्रिटिशर्स के पास एक ऐसी गवर्नमेंट मशीनरी है, यानी कि पुलिस है, जज हैं, कोर्ट हैं, जिसके ज़रिए ये इन सब चीज़ों को दबाने में कामयाब रहते हैं। तो इस तरह की स्थिति जो है वो बनती जा रही है, और आम जनता जो है वो धीरे धीरे क्या कर रही है, आम जनता को धीरे धीरे अब इकट्ठा होना होगा और एक नेशन, एक पूरा नेशन जो है वो यहाँ पर बनना शुरू हो जाता है। यानी कि इंडिया जो है वो अंडर क्रिएशन है, अभी उसको नेशन बनना होगा, तभी नेशनलिस्ट मूवमेंट जो है वो यहाँ पर सामने आएंगे। नेशनलिज्म के पीछे कुछ और चीज़ें भी थी, क्या देखेंगे आप यहाँ पे, देखो एक चीज़ आपको यहाँ पर समझनी होगी कि अगर हम 1857 के रिवॉल्ट की बात करें तो क्या आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि 1857 के रिवॉल्ट में आखिर वो कौन सा सेक्शन था जिसने पार्टिसिपेट नहीं किया? जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए कि 1857 का जो रिवॉल्ट था आखिर उसमें कौन सा वो सेक्शन था जिसने पार्टिसिपेट ही नहीं किया, बता सकते हैं आप? आपने अगर मेरी क्लास ली है 1857 के रिवॉल्ट वाली, जो क्लास हमने यहाँ पर स्टडी की थी, अगर आप थोड़ा सा भी जानते हैं जल्दी से कमेंट सेक्शन में इसके बारे में। ओके, लैंड ओनर्स हैं, मिडिल क्लास हैं, बिल्कुल सही काशिफ, कौन है वो? पढ़े लिखे जो लोग हैं, एडुकेटेड लोग जो हैं, मनी लेंडर्स हैं, जमींदार हैं, इन सब ने क्या किया? एलाइड ग्रुप्स हैं, बिल्कुल करेक्ट सफ़ी, एलाइड ग्रुप्स जो हैं उनने क्या किया था, 1857 के रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट नहीं किया था, पढ़े लिखे लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, यहाँ 1857 का जो रिवॉल्ट था पढ़े लिखे लोगों के लिए एक तरह से वो मायने नहीं रखता था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये जो भारत की जनता है ये सिविलाइज्ड नहीं है, और ये जो अंग्रेज आए हैं ये अंग्रेज ही हमें सिविलाइज्ड बनाएंगे, ठीक है, यहाँ पर इनको ऐसा लगता था पढ़े लिखे लोगों को, क्योंकि वेस्टर्न एडुकेशन जो है वो यहाँ पर भारत में शुरू कर दी गई थी और बहुत सारी जो यंग जनरेशन है उन वेस्टर्न थॉट्स के इन्फ्लुएंस के अंडर आ चुकी थी, और इसकी वजह से 1857 के रिवॉल्ट में उन्होंने पार्टिसिपेट भी नहीं किया। दूसरी ओर अगर हम बात करें तो ये जो एडुकेटेड लोग थे इनको ब्रिटिशर्स ने या ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आखिर क्या कहा, क्या कहकर उनको अपने सपोर्ट में लिया? ब्रिटिश गवर्नमेंट और ब्रिटिशर्स ये कहा करते थे कि हम भारत सिर्फ इसीलिए आए हैं ताकि इन फ्यूचर जब सेल्फ गवर्नमेंट आएगी, जब आपको हम वो हक दे देंगे कि आप अपने ऊपर ही रूल करें, जब सेल्फ गवर्नमेंट आएगी तो वो सेल्फ गवर्नमेंट काम कैसे करती है वो सारी चीज़ें हम यहाँ सिखाने आए हैं, यानी हम यहाँ पर गाइड करने आए हैं तुम सबको टूवर्ड्स सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ, यही पढ़े लिखे लोग अब क्या करते हैं, यही पढ़े लिखे लोग ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसीज थी उनको एनालाइज करना स्टार्ट कर देते हैं। ब्रिटिशर्स की क्या क्या पॉलिसीज़ हैं, लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज़ हैं, दूसरी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ हैं, ठीक है, फॉरेन पॉलिसीज़ हैं, इन सबको क्या करना शुरू कर देते हैं, ये एनालाइज करना शुरू कर देते हैं, और एनालाइज करके इनको ये समझ आता है कि ये ब्रिटिशर्स यहाँ से जाने नहीं वाले, बल्कि ये तो यहाँ रहने आए हैं, ये लोग, इनको क्या करना चाहिए था, इनको यहाँ पर बहुत सारी दूसरी चीज़ों में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए था, जैसे कि ब्रिटेन में सैनिटेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है, जनता बहुत खुश है,
तो अगर आप भारत को ब्रिटिश पोजीशन मानते हैं तो यहाँ पर भी उतना ही पैसा क्यों इन्वेस्ट नहीं हो रहा है इन सारी फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करने में। इट मीन्स इन्होंने क्या करना शुरू किया, ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज़ को अब एनालाइज करना स्टार्ट कर दिया है। अब ये भी समझ गए हैं कि ये लोग यहाँ पर हमें कोई गाइड करने नहीं आए हैं, हमें किसी तरह की गाइडेंस देने नहीं आए हैं, बल्कि ये हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर रहने आए हैं, यहाँ बसने आए हैं और हम पर रूल इस्टेब्लिश करने आए हैं। तो ये सारी स्थिति जो है वो क्या कर रही है, वो फैक्टर्स बन रही है नेशनलिस्ट मूवमेंट का। यहाँ पर किसान बहुत परेशान हैं, फिर मर्चेंट्स और यहाँ पे जो आर्टिशंस हैं वो भी काफ़ी परेशान हैं। दूसरी ओर अगर हम यहाँ पर आते हैं कि जो यहाँ पे कंपनी वगैरह में और दूसरी इंडस्ट्रीज़ में करने वाले जो काम करने वाले जो वर्कर्स हैं वो काफ़ी परेशान हैं, दूसरी ओर यहाँ पर जो एडुकेटेड लोग जिन्होंने पहले ब्रिटिशर्स का साथ दिया अब वो यहाँ पर उनके खिलाफ खड़े होने शुरू हो गए हैं क्योंकि उन्हें सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ आने लग गई हैं। तो अब क्या होगा, अब धीरे धीरे सिचुएशन बदलेगी। हमें भारत को यूनाइट करना है और ये यूनाइट करने की जो स्टोरी है इसको समझना होगा कि कौन से दूसरे अलग अलग फैक्टर्स भी थे जिन्होंने इस चीज़ में पार्टिसिपेट किया। पहली बात तो आपको एक सिचुएशन को बहुत अच्छे से समझना होगा। पहले जो भारत था वो छोटे छोटे टुकड़ों में था, अलग अलग टुकड़ों के ऊपर अलग अलग राजा जो हैं वो अपने तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ उनकी होती थी और वो अपने तरीके से क्या करते थे, अपने तरीके से वो रूल किया करते थे। जैसे अगर हम नॉर्थ की बात करें तो नॉर्थ में फॉर एग्जांपल हर्षवर्धन है वो रूल कर रहे हैं, साउथ में आ जाएंगे जो चालुक्याज हैं, चोल एम्पायर आया, फिर यहाँ पर पांड्याज और फिर चेर, ये सब रूल करते थे। इट मीन्स अपने अपने रीजन्स में सब क्या करते थे, रूल किया करते थे, ठीक है, उनकी अपनी अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ हुआ करती थी। लेकिन क्योंकि भारत का बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ पर ब्रिटिश की कॉलोनी बन गया, इसकी वजह से हुआ ये है कि यहाँ पर भारत जो है उसका बहुत बड़ा हिस्सा अब एक ही एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर था और एक ही एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर होने की वजह से एक तरह से भारत जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से अगर देखा जाए तो यूनिफाई हो गया था। दूसरी ओर अगर हम वेस्टर्न एडुकेशन और थॉट्स की बात करें, वेस्टर्न थॉट्स एंड एडुकेशन की बात करें, तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर बना है नेशनलिज्म को आगे बढ़ाने में। किस तरह से, ये जो वेस्टर्न थॉट्स हैं, ये जो एडुकेशन है, इसकी वजह से हुआ ये कि भारत की काफ़ी जनता जो है वो पढ़ी लिखी बनी और वो पढ़ लिखने के बाद ब्रिटिशर्स की ही पॉलिसीज़ को एनालाइज करना उन्होंने शुरू किया। इसके साथ साथ ये वो समय भी था जब दूसरे देशों में कंटेम्प्रेरी बेसिस पर अगर हम देखें तो दूसरे देशों में बहुत सारी कॉलोनीज़ क्या कर रही थी, विद्रोह कर रही थी ब्रिटिशर्स के खिलाफ। जैसे कि रूसो है, अगर हम यहाँ पर कहें रूसो है तो रूसो जो हैं उनके थॉट्स को स्टडी करना शुरू किया। बहुत सारे कंटेम्प्रेरी लेवल पे बहुत सारी दूसरी कंट्रीज़ में बहुत से विद्रोह हो रहे थे जिनको यहाँ पर इन्होंने समझना स्टार्ट किया, ठीक है। इसके साथ एक और चीज़ ये हुई कि अलग अलग रीजन के जो लोग थे, अलग अलग रीजन के जो लोग हैं उनकी अलग अलग भाषाएं हुआ करती थी, लेकिन ये जो वेस्टर्न थॉट्स और वेस्टर्न एडुकेशन यहाँ पर प्रोवाइड की गई इसके साथ साथ इंग्लिश की एंट्री होती है और इंग्लिश जो है वो एक तरीके का मीडियम बन जाती है जिसके ज़रिए अलग अलग रीजन के जो लोग हैं वो अपने आइडियाज़ को क्या कर पाते हैं, अपने आइडियाज़ को यहाँ पे एक्सचेंज कर पाते हैं, ठीक है। तो ये वेस्टर्न थॉट एंड एडुकेशन भी एक फैक्टर रहा है नेशनलिज्म, क्योंकि नेशनलिज्म जो है नेशनलिज्म की जो भावना है लोगों के अंदर आएगी उसके वजह से। बिल्कुल करेक्ट काशिफ, बिल्कुल सही शीलम, आप बिल्कुल करेक्ट कह रहे हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रहा था, इसके साथ साथ जेएस मिल के थॉट्स हैं, प्लाटो है, एरिस्टोटल है, बिल्कुल करेक्ट ये सभी। हाँ जोए बिल्कुल करेक्ट लुइस, तो इन्होंने इन सब के थॉट्स और इन सब के आइडियाज़ को पढ़ना शुरू किया, परखना शुरू किया। अब बात आती है रीडिस्कवरी ऑफ इंडियाज पास्ट। अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो ब्रिटिशर्स में जब ब्रिटिशर्स भारत आए तो उन्होंने सीधा जनता को क्या बताना स्टार्ट किया, जनता को ये बताना शुरू किया कि आपके भारत में ऐसा कोई व्यक्ति रहा ही नहीं जिसने भारत के इतने बड़े हिस्से पर कब्जा जमाया हो और इतने बेहतरीन तरीके से कभी एडमिनिस्टर किया हो, और वो हम पहले, मतलब ऐसा कभी हुआ नहीं, हम पहले लोग हैं,
हम ऐसे पहले लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर इतना बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है बनाया और हम इतने बेहतरीन तरीके से इस एरिया को संभाल रहे हैं। आपके भारत का जो इतिहास है वो इतना अच्छा कभी रहा ही नहीं है, ये सारी बातें भारत की आम जनता के दिमाग में डाली जाती थी। लेकिन बहुत सारे पढ़े लिखे लोग जो हैं, बहुत सारे यहाँ पर क्या हो रहे हैं, बहुत सारे जो नेशनलिस्ट हैं वो क्या करना स्टार्ट करते हैं, वो यहाँ पर भारत की आम जनता को बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल्स देना शुरू करते हैं। वो बड़े बड़े एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? वो बड़े बड़े एग्जाम्पल्स थे अशोक, जैसे कि मौर्यन एम्पायर का एग्जाम्पल दिया, गुप्तास के टाइम का एग्जाम्पल दिया, अकबर के टाइम का एग्जाम्पल दिया, उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ के बारे में बताया, ताकि भारत की जनता को अपने इतिहास के ऊपर गर्व हो सके और वो यूनाइट हो सके कॉमन एनिमी के खिलाफ। ठीक है, तो ये चीज़ जो है यहाँ पर शुरू होती है। तो इंडिया का जो पास्ट था उसको ग्लोरीफाई करना बहुत सारे नेशनलिस्ट ने शुरू कर दिया, लेकिन एक चीज़ जो है वो थोड़ी सी गड़बड़ इन्होंने की। इन्होंने भारत के इतिहास को ग्लोरीफाई तो किया, ठीक है, लेकिन इसके साथ आप देखेंगे कि इन्होंने उसको बिना क्रिटिकल एनालिसिस के किया है, यानी कि भारत का जो इतिहास है उसको लोगों के सामने बताया कि कितना ब्यूटीफुल हिस्ट्री हमारी रही है, लेकिन यहाँ पर बिना क्रिटिकल एनालिसिस के जब ये सारी चीज़ें की जाती हैं, मतलब बिना उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड की वीकनेस को सामने रखे सिर्फ हम उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड की अच्छाइयों को गिनवाते हैं, तो थोड़ी सी दिक्कत जो है वो यहाँ स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि देखो, एंशंट हिस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा लोगों के सामने रखा गया कि हमारा प्राचीन इतिहास जो है वो बहुत ही अच्छा था, लेकिन यहाँ प्राचीन इतिहास की बात करें तो उसमें वर्ण सिस्टम है, कास्टिज्म है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आम जनता जो है, अगर आप इनको पॉइंट नहीं करेंगे, इन सब चीज़ों को अगर आप पॉइंट करना स्टार्ट नहीं करेंगे कि वर्ण सिस्टम, कास्टिज्म, ये कुछ वीकनेसेस थी उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड की, अच्छी चीज़ें हैं, बहुत अच्छी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ राजाओं की रही है, लेकिन अगर हम यहाँ देखें कि कुछ वीकनेस भी थी उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड की, उसको अगर हम उजागर नहीं करेंगे तो आम जनता के लिए एक पर्टिकुलर समय में देश भर में दूसरी दुनिया में होने वाली जो चेंजेस हो रहे हैं उनको अडॉप्ट करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। ओके, क्योंकि आम जनता को क्या लगेगा, प्राचीन इतिहास बिल्कुल सही था, सारी चीज़ें बिल्कुल करेक्ट थी, कास्टिज्म अच्छा है, वर्ण सिस्टम अच्छा है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं वो जनता को नहीं बताई जा रही है, सिर्फ बताया जा रहा है हमारा इतिहास बहुत अच्छा था। तो बिना क्रिटिकल एनालिसिस के जब भारत के इतिहास को ग्लोरीफाई किया जाता है तो आम जनता को एक तरीके से उसमें सोसाइटी में चेंजेस लाने में, सोसाइटी में बदलाव लाने में, और कुछ ईविल चीज़ें जो सोसाइटी में थी जैसे सती प्रथा वगैरह हैं उनको क्या करने में, उनको यहाँ पर एक तरीके से हटाने में, लोगों की लाइफ में से, इसके साथ साथ उनको ये सब चीज़ें बताने में कि ये सब चीज़ें क्या हैं, ये ईविल हैं, ये सोसाइटी को क्या करती है, स्टैग्नेट करती हैं, इन सब चीज़ों को समझाने में जनता को काफ़ी परेशानी आई। ठीक है, तो ये रीडिस्कवरी हुई है इंडिया के पास्ट की, लेकिन बिना क्रिटिकल एनालिसिस के। उसके बाद होता है रोल ऑफ प्रेस एंड लिटरेचर। कैसे रोल ऑफ प्रेस एंड लिटरेचर, यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत सारे वर्नाकुलर यहाँ न्यूज़पेपर्स थे, जो कि मतलब वर्नाकुलर जो आम भाषा में जो बहुत सारे न्यूज़पेपर्स आप देखेंगे जो कि यहाँ क्या करते थे, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स एक जगह से दूसरी जगह यहाँ पर पहुँचाए जाते थे, इसके साथ साथ इनमें बहुत सारे आर्टिकल्स वगैरह छपते थे जो कि देशभक्ति के लिए होते थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर प्रेस ने भी काफ़ी अहम योगदान दिया। दूसरी ओर अगर लिटरेचर की बात करें तो लिटरेचर फील्ड में भी बहुत काम हुआ, जैसे कि बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, ठीक है, इसके साथ बहुत सारे ऐसे राइटर्स रहे हैं जिन्होंने नोवेल्स लिखी हैं, इसके साथ आप देखेंगे बहुत सारी पोइट्री में बहुत सारा काम हुआ है, ठीक है, आर्टिकल वगैरह लिखे जाते थे जो कि क्या करते थे, जो यहाँ पर जो लिटरेचर है उस फील्ड में इन्होंने काम किया, और ये लिटरेचर कहीं ना कहीं नेशनलिज्म को राइज करने में काम कर रही थी। ओके, तो ये रोल ऑफ प्रेस एंड लिटरेचर एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा था नेशनलिज्म का। फिर आते हैं रेशियल एरोगेंस की ओर। रेशियल एरोगेंस, क्या समझते हैं आप रेशियल एरोगेंस से, कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए आप मुझे कमेंट सेक्शन में कि रेशियल एरोगेंस का क्या मतलब हुआ।
जस्टिन नहीं, ब्रिटिशर्स ने जो भी चीज़ें, जो भी फैसिलिटीज प्रोवाइड की हैं वो उनके काम के लिए प्रोवाइड की है। जैसे कि एडुकेशन अगर उन्होंने प्रोवाइड की है तो वो क्या चाहते थे, क्लर्क चाहते थे ताकि उनको काम पर लगाया जा सके। दूसरा रेलवे की बात करें तो रेलवे इसीलिए उन्होंने प्रोवाइड की ताकि जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं उनको रिमोट एरियाज तक भी पहुंचाया जा सके। पोस्टल सिस्टम भी इसीलिए ही प्रोवाइड किया। तो ये भारत की जनता को किसी तरह की फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं बल्कि अपना काम कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल करेक्ट, यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रिटिशर्स जो हैं वो कलर के बेसिस पर क्या कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं भारत की जनता को। रेशियल एरोगेंस, आपने देखा होगा कि ट्रेन के जो कंपार्टमेंट्स हैं वो भी क्या होते थे, अलग अलग होते थे। ट्रेन के कंपार्टमेंट्स गोरे लोगों के लिए भी हैं और जो यहाँ ब्राउन लोग हैं उनके लिए भी हैं। तो ये जो ब्लैक लोग हैं इनको इन्फीरियर माना जाता था और इनके लिए ट्रेन में अलग से कंपार्टमेंट होता था, ठीक है। तो ये रेशियल एरोगेंस जो है ये भी यहाँ बढ़ता जा रहा था जो कि आम जनता के दिमाग के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पैदा कर रहा था। फिर बात आती है लॉर्ड लिट्टन की, इन्होंने आर्म्स एक्ट लाया 1878 का। अब ये जो आर्म्स एक्ट था इसने आखिर किया क्या, आर्म्स एक्ट के तहत यहाँ पर भारत, कोई भी भारतीय क्या नहीं कर सकता, कोई भी हथियार यहाँ मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता, बेच नहीं सकता, अपने पास रख भी नहीं सकता और फायर आर्म्स जो है उसको कैरी नहीं कर सकता। तो यहाँ पर भारत की जनता को ये लगा कि इस तरह के एक्ट्स जो है वो सिर्फ हम लोगों पर क्यों, यहाँ पर ब्रिटिशर्स भी रहते हैं, ब्रिटेन से भी बहुत सारे लोग आकर यहाँ पर बस रहे हैं, आखिर उनके साथ ऐसा कोई व्यवहार क्यों नहीं किया जा रहा। और अगर हम देखें तो अखबार जो न्यूज़पेपर्स वगैरह हैं वो नेशनलिज्म की भावना लोगों के अंदर फैला रहे थे। इस वजह से वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आता है जिस वजह से वर्नाकुलर न्यूज़पेपर्स जो हैं उनके ऊपर बैन लगा दिया जाता है 1878 में। फिर आता है इल्बर्ट बिल कॉन्ट्रोवर्सी। एक्चुअल में इल्बर्ट कौन थे, अगर आपने लॉर्ड रिपन का नाम सुना हो तो लॉर्ड रिपन सभी वाइसरॉय, जो इतने सारे वाइसरॉय रहे हैं भारत के, उनमें से सबसे बेहतरीन माने जाते हैं। एंड ये वो थे जिन्होंने, जो सच में चाहते थे कि भारत की जो जनता है उसका कहीं ना कहीं भला हो, ठीक है। तो आप क्या देखेंगे कि यहाँ लॉर्ड रिपन ने कुछ चीज़ें सामने रखी। लॉर्ड रिपन ने यहाँ पर एक बिल को वो एक्ट में कन्वर्ट करना चाहते थे, इल्बर्ट बिल सामने आया। ये इल्बर्ट बिल आखिर था क्या, पहले तो इसका समझते हैं। 1883 का इल्बर्ट बिल एक्चुअल में क्या कहता है कि यहाँ पर अगर कोई एक्यूज्ड बंदा, इट मींस कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने क्राइम किया है, ठीक है, उसकी ट्रायल होनी है कोर्ट में, तो अगर उसकी ट्रायल होनी है कोर्ट में तो उसकी ट्रायल एक इंडियन जज भी ले सकता है। ये वाली चीज़ क्या की गई है, ये वाली चीज़ यहाँ पर इल्बर्ट बिल में लाई गई। बट हुआ ये कि यहाँ पर इल्बर्ट बिल का बहुत ज़्यादा विरोध किया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा। इल्बर्ट बिल के ऊपर बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए गए, उन्होंने कहा कि अगर ये बिल एक्ट बन गया, अगर ये पारित हो गया तो आप यहाँ देखेंगे कि ये महिलाओं के लिए बड़ा ही विपत्तिजनक बिल होगा, क्योंकि महिलाओं को काफ़ी गंदे तरीके से ट्रीट किया जाएगा इंडियन जजेस के द्वारा कोर्ट में। तो यहाँ पे जज जो थे और ब्रिटेन की जो जनता थी और इसके साथ साथ जो महिलाएं थी, उन्होंने इसको काफ़ी अपोज किया, जिसकी वजह से ये जो बिल है ये थोड़े से चेंजेस के साथ पारित हुआ। इसमें कुछ चेंजेस लाए गए, यानी कि आप देखेंगे कि इसमें कहा गया कि ठीक है, अगर इंडियन जज यहाँ पर ट्रायल ले भी रहा है एक यूरोपियन की, तो उसके बाद जो कोर्ट होगा उसमें मेजॉरिटी में ब्रिटिशर्स ही प्रेजेंट होने चाहिए, उसके बाद ही ये चीज़ होगी, ठीक है। तो इल्बर्ट बिल कॉन्ट्रोवर्सी 1883 की जो थी उसमें यहाँ पर बहुत सारे नेशनलिस्ट सामने आते हैं और वो कहते हैं कि इल्बर्ट बिल बिल्कुल करेक्ट था। अगर एक इंडियन एक्यूज होता है तो उसको कोई भी ब्रिटिश जज जो है वो ट्रायल ले सकता है उसकी, तो फिर एक इंडियन जज एक ब्रिटिशर की ट्रायल क्यों नहीं ले सकता। तो ये क्या हमने पढ़े हैं, ये सब फैक्टर्स थे जो कि आज हमने कवर किए इस पार्ट में। इसमें हमने देखा कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से नेशनलिज्म जो है उसकी भावना लोगों के अंदर क्या होगी, इकट्ठी होगी। तो अब हम स्टार्ट करेंगे कि आखिर किस तरह से नेशनलिस्ट मूवमेंट्स जो हैं वो स्टार्ट होते हैं। हालांकि हम इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में ही स्टडी करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले भी कुछ बहुत सारी एसोसिएशंस यहाँ सामने आई
और उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस सामने आती है, जो कि ऑल ओवर, मतलब आप कहेंगे कि नेशनल बेसिस पर थी, ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पर लोग जो है इकट्ठा होंगे और इस कांग्रेस को बनाएंगे, ठीक है। तो पहले क्या देखते हैं हम, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसके प्रेडिसर्स, यानी उससे पहले भी बहुत सी एसोसिएशंस आई। अब आपको पहले तो एक चीज़ समझनी होगी कि ये एसोसिएशंस करती क्या हैं, आखिर इन एसोसिएशंस का काम क्या है, इसको हमें स्टडी करना होगा। यहाँ पर ये सभी एसोसिएशंस इसीलिए बनाई गई ताकि भारत की जनता को एक तरीके का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जा सके, जहाँ से भारत की जनता की जो मांग है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट तक पहुँचाई जा सके, ठीक है। तो आम जनता जो है इन एसोसिएशंस के पास जाती है, ये एसोसिएशंस जो हैं वो पिटिशन बनाती हैं और वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को पहुंचाई जाती है ताकि ब्रिटिश गवर्नमेंट उसी के अकॉर्डिंग काम कर सके। तो यहाँ पर 1838 में लैंड होल्डर सोसाइटी द्वारका नाथ टैगोर के द्वारा स्टार्ट की जाती है। नॉर्मली ये जो एसोसिएशन बनाई गई थी, ये सोसाइटी बनाई गई थी, इसके तहत या ये ज़मींदारों के लिए थी, मतलब ज़मींदारों को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने में, और उनकी सारी परेशानियों को ब्रिटिश गवर्नमेंट तक पहुंचाया जाता था इस लैंड होल्डर सोसाइटी के द्वारा। उसके बाद ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नरोजी के द्वारा यहाँ पर लंदन में उन्होंने इस एसोसिएशन की शुरुआत की, जिसकी बहुत सारी ब्रांचेस जो है वो यहाँ पर एक तरह से ओपन कर दी गई 1866 में। फिर आती है इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकटा, ये बड़ी खास थी 1876 की, क्योंकि देखो बंगाल की जो जनता है, बंगाल की अगर यंग जनरेशन की हम बात करें, तो ये जो यंग जनरेशन है इसको एक लीडर की ज़रूरत थी अपने आइडियाज़ को, अपने थॉट्स को ब्रिटिश गवर्नमेंट तक पहुँचाने के लिए। वो यहाँ पर एक यंग जनरेशन जो है वो इस एसोसिएशन की शुरुआत करती है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकटा, एंड यहाँ पे उनको एक यंग लीडर भी मिलते हैं, जो कोलकाता के जितने यंगस्टर्स थे उनको, और वो थी सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। एक्चुअल में ये सिविल सर्वेंट थे एंड काफ़ी ओपन माइंडेड व्यक्ति थे सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, एंड इसी वजह से ब्रिटिशर्स चाहते भी नहीं थे कि इतना ओपन माइंडेड व्यक्ति जो है वो हमारे साथ सिविल सर्विसेज में काम करे। इसी वजह से सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने यहाँ पर क्या किया, सर्विसेज छोड़ दी और उसके बाद इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकटा की शुरुआत की, ठीक है। उसके बाद आनंद मोहन जो है उन्होंने भी इनका सपोर्ट किया। फिर 1870 में आती है पूना सार्वजनिक सभा, जस्टिस राणा डे के द्वारा ये स्टार्ट की गई, और पूना सार्वजनिक सभा जो थी वो एक तरीके से क्या कर रही थी, वो यहाँ पर एक काम ऐसा करती थी कि भारत की जनता को यहाँ पर उनके राइट्स के बारे में बताने की कोशिश करती थी। मतलब मान लीजिए कि यहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो एडमिनिस्टर कर रही है भारत को, लेकिन भारत की जनता के भी कुछ ऐसे राइट्स होते हैं, या फिर आप कहेंगे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट कहीं ना कहीं बोलने लायक रहती है जनता की तरफ, तो वो सारी चीज़ें बताने का काम, जनता को जागरूक करने का काम जो है वो पूना सार्वजनिक सभा ने किया। फिर मद्रास महाजन सभा 1884 में आती है, एंड 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। तो इस तरह से बहुत सारी एसोसिएशंस एंड बहुत सारी यहाँ पर सोसाइटीज़ जो हैं, सभा जो हैं वो यहाँ पर पहले ही इस्टेब्लिश हो गई थी, लेकिन ऑल इंडिया बेसिस पे कोई ऐसी एसोसिएशन सामने नहीं आई थी। तो अब शुरुआत होती है इंडियन नेशनल कांग्रेस की। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो क्या थी, ऑल इंडिया बेसिस पर थी। ऑल इंडिया बेसिस पर आप देखेंगे यहाँ पर एक एसोसिएशन की शुरुआत की गई। वैसे ये कांग्रेस जो नाम था ये बाद में जोड़ा गया है, इसका नाम इंडियन नेशनल एसोसिएशन था, बाद में इसको चेंज करके कांग्रेस बना दिया गया, एंड इसकी शुरुआत की ए ओ ह्यूम जो है वो बहुत सारे नेशनलिस्ट के साथ मिलते हैं, एंड उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस इस्टेब्लिश की जाती है। 1885 में इसका पहला सेशन होता है मुंबई में, एंड 72 डेलीगेट्स जो थे उन्होंने इस सेशन को अटेंड किया था, एंड इट वाज प्रिसाइडेड बाय WC बैनर्जी। अब आपको समझना होगा कि यहाँ पे ये जो ए ओ ह्यूम है इनके बारे में दो थ्योरीज हैं, ठीक है, एंड ये दो जो थ्योरीज हैं ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। सेफ्टी वाल्व थ्योरी एंड लाइटनिंग कंडक्टर। देखो सेफ्टी वाल्व थ्योरी क्या है और लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी क्या है, उसको थोड़ा सा हमें समझना होगा, क्योंकि ए ओ ह्यूम के बारे में काफी सारी चीजें जो है वो कही जाती है। अगर हम थोड़ा ए ओ ह्यूम की बात करें, तो ये सिविल सर्वेंट थे, एंड सिविल सर्विसेज देने के बाद उसके बाद यहाँ पे
वो इस चीज़ को यहाँ पे पूरी जो ये एसोसिएशन थी इसको सामने लेकर आए हैं। हाँ सिद्धार्थ, मैं उसी बारे में बात कर रही हूँ, सेफ्टी वाल्व थ्योरी को ही हम यहाँ पर समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखो काफ़ी सारे हिस्टोरियंस जो हैं उनकी अलग अलग राय है सेफ्टी वाल्व थ्योरी लाइटनिंग कंडक्टर। यहाँ पर सेफ्टी वाल्व थ्योरी आखिर क्या है, मान लीजिए कि यहाँ जो नए नए लोग सामने आ रहे हैं, नए नए आइडियाज़ जो हैं वो सामने आ रहे हैं, नए नए नेशनलिस्ट जो हैं वो यहाँ सामने आ रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये नेशनलिस्ट इकट्ठा होकर ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ विद्रोह कर सकते थे। तो हो सकता है, कुछ हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि हो सकता है कि ब्रिटिशर्स ने ए ओ ह्यूम को यहाँ भेजा हो, जिसके ज़रिए ए ओ ह्यूम जो कि खुद एक ब्रिटिशर हैं यहाँ पर क्या कर सकें, ए ओ ह्यूम जो है वो इन नेशनलिस्ट, इंडियन नेशनलिस्ट के साथ इकट्ठा हो सके, एक प्लेटफॉर्म ये ऐसा तैयार कर दे जहाँ पर ये नेशनलिस्ट आए, अपने आइडियाज़ को यहाँ पर अपनी जो भी बातें हैं उनको कहें और शांत हो जाएं। मतलब इन्होंने क्या सोचा कि एक ऐसा एसोसिएशन तैयार कर देते जिसमें ये नेशनलिस्ट आएंगे, अपनी अपनी बातों को कहेंगे, करना ना करना उसके अकॉर्डिंग जो है वो सारी चीज़ें तो हमारे ऊपर हैं, तो ये जो प्लेटफॉर्म होगा ये एक तरीके से उनके जो भी थॉट्स उनके दिमाग में चल रहे हैं उसको ठंडा करने का काम करेंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, हम क्या कर सकते हैं, ए ओ ह्यूम के ज़रिए जो भी प्रोग्रेस उस कांग्रेस में चल रही है वो सारी चीज़ें भी हमें पता चलती रहेंगी, इसके साथ साथ एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर इन नेशनलिस्ट के जो गर्म थॉट्स आते जा रहे थे एकदम गर्मा गर्म, जो कि यहाँ पर पूरे विद्रोह को शुरू कर सकते थे, उसको ठंडा करने का काम ये पूरा प्लेटफॉर्म करेगा। तो ये एक सेफ्टी वाल्व थ्योरी थी कि मतलब ए ओ ह्यूम जो है वो सेफ्टी वाल्व की तरह है जो इंडियन नेशनलिस्ट के साथ मिलकर इनके थॉट्स को ठंडा करने में मदद कर देंगे, ठीक है, डाइल्यूट कर देंगे उस चीज़ को। ओके तो ये सेफ्टी वाल्व थ्योरी है। अब इसमें क्या दिख रहा है आपको, इसमें क्या लग रहा है कि ब्रिटिशर्स ने इंडियन नेशनलिस्ट को पागल बना दिया, ठीक है, ये चीज़ हमें ऐसे लग रही है कि इंडियन नेशनलिस्ट को एक तरह से पागल बना दिया गया है, उनको यूज़ कर लिया ब्रिटिशर्स ने, है ना। लेकिन अब बात करते हैं लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी की। लाइटनिंग कंडक्टर आपने सुना होगा, लाइटनिंग कंडक्टर घरों में भी होता है, एंड ये लाइटनिंग कंडक्टर किस काम आता है, यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपका बिल्डिंग है, एंड ये जो बिल्डिंग है इस बिल्डिंग के बिल्कुल ऊपर एक कंडक्टर होता है, लाइटनिंग कंडक्टर। लाइटनिंग मतलब कि बिजली, जब बिजली कड़कती है तो क्या होगा, ये जो लाइटनिंग कंडक्टर है इसकी अर्थिंग की गई है ना, तो बिजली कड़केगी तो क्या होगा कि ये जो लाइटनिंग है ये इसके ऊपर गिरेगी कंडक्टर के ऊपर और ये उस लाइट को कंडक्ट करके अर्थ के अंदर भेज देगा। तो बिल्डिंग क्या रहेगी, बिल्डिंग तो क्या रहेगी, सेफ रहेगी, बिल्डिंग यहाँ पर सेफ रहती है। तो कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि ए ओ ह्यूम का इस्तेमाल इंडियन नेशनलिस्ट ने लाइटनिंग कंडक्टर के तौर पर किया। उन्होंने कहा कि यहाँ पर बिल्डिंग कौन है, बिल्डिंग तो इंडियन नेशनलिस्ट की जो एसोसिएशन है इंडियन नेशनल कांग्रेस ये है, और लाइटनिंग कंडक्टर कौन है, ए ओ ह्यूम है। यानी कि अगर ब्रिटिशर्स इस एसोसिएशन के ऊपर, इस कांग्रेस के ऊपर कभी बरसे, किसी तरह से वो बरसना स्टार्ट कर देते हैं या फिर उनको ऑप्रेस करना स्टार्ट कर देते हैं इस कांग्रेस को, तो यहाँ पर उनसे बचाने का काम कौन करेगा, यही लाइटनिंग कंडक्टर यानी कि ए ओ ह्यूम, ठीक है। तो ये चीज़ जो है यहाँ पर सामने लाई गई। तो ये दो थ्योरीज हैं जो कि ए ओ ह्यूम के द्वारा के बारे में प्रचलित हैं, सेफ्टी वाल्व थ्योरी और लाइटनिंग कंडक्टर। सेफ्टी वाल्व थ्योरी जो है वो इतनी ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं है, इतनी ज़्यादा लोगों ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि अगर हम यहाँ देखें तो सेफ्टी वाल्व थ्योरी में ए ओ ह्यूम जो है उनको अच्छा नहीं बता रहे हैं, बल्कि उन्हें कहा जा रहा है कि वो इंडियन नेशनलिस्ट का यूज़ कर रहे हैं। बट एक्चुअल में अगर देखा जाए ए ओ ह्यूम की जो पूरी लाइफ रही है उसमें उन्होंने काफ़ी अच्छी सर्विस अपनी दी है, इसी वजह से वो इंडियंस की हेल्प भी काफ़ी बार करते हुए नज़र आए हैं। तो सेफ्टी वाल्व थ्योरी को इतनी ज़्यादा हिस्टोरियंस जो हैं वो सपोर्ट नहीं करते हैं, लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी जो है उसको यहाँ पर एक तरीके से सपोर्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो ये लाइटनिंग कंडक्टर ए ओ ह्यूम थे जिनको यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा था, हो सकता है इंडियन नेशनलिस्ट के द्वारा, ठीक है। तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की शुरुआत हो जाती है। अब ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसका फर्स्ट फेज हमें यहाँ कवर करना है, 1885 से 1905
मॉडरेट फेज हमें कवर करना है। आखिर ये मॉडरेट फेज क्यों कहलाता है? क्योंकि इस फेज के, इस समय के जो कांग्रेस के जो लीडर्स हैं वो क्या करते हैं, वो मॉडरेट लेवल पर काम कर रहे हैं। ये मॉडरेट लेवल पर काम कैसे करते हैं, आखिर इनकी प्रोग्राम और एक्टिविटीज कैसी है, ये मॉडरेट अप्रोच को हमें समझना होगा, तभी हम समझ पाएंगे कि ये मॉडरेट फेज आखिर क्यों कहलाता है। यहाँ पर पहली बात तो ये चीज समझ गए थे कि भारत में उतनी क्षमता अभी नहीं आई है कि वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट डायरेक्टली खड़े हो सके। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट डायरेक्टली नहीं खड़ा हुआ जा सकता, तो डायरेक्ट स्ट्रगल जो है वो इनका एजेंडा नहीं था। इन्होंने क्या सोचा, इन्होंने ये सोचा कि हमें पहले भारत की जनता को समझाना होगा, उन्हें अवेयर करना होगा चीजों के बारे में, हमें उन्हें एक नेशन में कन्वर्ट करना होगा। इंडिया जो है वो अंडर क्रिएशन है, मतलब अभी वो क्रिएट हो रहा है एक नेशन की फॉर्म में, तो इसी वजह से फिलहाल डायरेक्ट स्ट्रगल जो है वो एक अच्छा एजेंडा नहीं है। वो ये करना भी नहीं चाहते थे, वो यहाँ पर भारत की जनता को अवेयर करना चाहते थे, तो इनकी मॉडरेट अप्रोच ही रही है। तो ये करते क्या थे, पहली बात तो मॉडरेटर्स को ये लगता था कि ब्रिटिशर्स वाकई में भारतीयों की हेल्प करना चाहते हैं, इंडियंस की हेल्प करना चाहते हैं, बस दिक्कत इतनी है कि इन ब्रिटिशर्स को भारतीयों की, इंडियंस की प्रॉब्लम्स का पता नहीं है। ओके? तो इसी वजह से क्या होता है कि वो सोचते हैं कि अगर हम इंडियंस की डिमांड ब्रिटिशर्स के सामने रखेंगे तो वो ज़रूर कुछ ना कुछ काम करेंगे हमारे लिए। तो वो क्या करते थे, पहले वो एक कोई भी पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करने की कोशिश करते थे। मतलब कोई भी अगर पॉलिसी यहाँ पर लाई गई है तो उस पॉलिसी के ऊपर भारतीय जनता का क्या मानना है, वो एक स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करने की कोशिश करते थे, एंड उसके बाद फिर एक पेटिशन बनाते थे। ठीक है, एक लेटर जो है वो लिखते थे और वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को भेज दिया करते थे। ठीक है, तो ये एक मॉडरेट अप्रोच थी, आपको एक्सट्रीम लेवल पर चीज़ें होती हुई नहीं देखने को मिलेंगी। इसी वजह से ये वाला पूरा का पूरा जो टाइम पीरियड है ये मॉडरेट फेज कहलाता है, मॉडरेट लेवल पर आपको चीज़ें देखने को मिल रही हैं। यहाँ पर आप देखेंगे क्या कर रहे हैं, वो रिक्वेस्ट करते हैं, प्रे करते हैं ब्रिटिशर्स को कि ये डिमांड्स हैं इंडियंस की और आप प्लीज़ इनको, इनके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। एंड फिर उन्हें ये उम्मीद भी रहती थी हमेशा कि वो ज़रूर करेंगे, क्योंकि मॉडरेटर्स को हमेशा यही लगा कि ब्रिटिशर्स को हमारी प्रॉब्लम्स का नहीं पता, और अगर प्रॉब्लम्स का पता चल जाए तो वो ज़रूर हमारे साथ अच्छा बर्ताव करेंगे और हमारे लिए कुछ बेहतर चीज़ें सामने लाएंगे। ठीक है, तो ये मॉडरेट अप्रोच थी। अब मॉडरेट अप्रोच है, मॉडरेट फेज में इतना कुछ आप होता हुआ नहीं देख रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी मॉडरेट नेशनलिस्ट जो हैं उनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। इस कॉन्ट्रीब्यूशन को अब हमें समझना होगा कि आखिर ये क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था। सबसे पहले इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ ब्रिटिश इंपीरियलिज्म, ये जो मॉडरेटर्स थे इन्होंने क्या करना स्टार्ट किया, ये जो मॉडरेटर्स थे इन्होंने यहाँ पर ब्रिटिश पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करना शुरू किया। इन्होंने यहाँ पर क्या बन गए हैं, ये क्रिटिक बन गए हैं। ठीक है, इकोनॉमिक क्रिटिक बन गए हैं। इन्होंने देखा कि यहाँ पर किसानों की बुरी हालत क्यों है, आर्टिशंस की बुरी हालत क्यों है, ये सारी चीज़ें, मतलब जो वर्कर्स हैं उनकी बुरी हालत आखिर क्यों है, आखिर ये जो ब्रिटिशर्स होते हैं ये हमेशा ब्रिटेन से आए कैपिटलिस्ट जो हैं उन्हीं की मदद क्यों करते हैं, ये सब चीज़ें जो है ये इस सब चीज़ों का क्रिटिक ये बन गए, और इन्होंने इन सब चीज़ों के डिसएडवांटेजेस बताने स्टार्ट कर दी ब्रिटिश गवर्नमेंट को। इन्हें ऐसा लगा कि शायद ब्रिटिश गवर्नमेंट को पता ही नहीं है कि ये सारी प्रॉब्लम्स जो है उन्हीं की वजह से हो रही हैं, तो इन्होंने इन सब चीज़ों को बताना शुरू किया कि देखिए अगर आप भारत की जनता जो है उसका सपोर्ट चाहते हैं, भारत में वापस से सारी चीज़ें बेहतर होते हुए देखना चाहते हैं, तो पहली बात तो आपको लैंड रेवेन्यू जो है उसको कम करना पड़ेगा, उसके बाद आपको मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करना पड़ेगा। मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्रीज़ जिसमें आप इंडियन कैपिटलिस्ट जो हैं उनका सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट शीलम, बिल्कुल करेक्ट, दादा भाई नरोजी जो हैं, हाँ उन्होंने ही यहाँ पर इस जो ब्रिटिश इंपीरियलिज्म है उसको एनालाइज करना शुरू किया, और इसके साथ साथ उन्होंने सजेशंस भी दिए
कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पर, क्या क्या बेहतर चीज़ें आप यहाँ पर ला सकते हैं, किस तरह से आपको जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें जो कंपनी में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको किस तरह से ट्रीट करना चाहिए, यहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए, मिलिट्री एक्सपेंडिचर आपको अपना कम करना चाहिए, बल्कि क्योंकि देखो जितना भी लैंड रेवेन्यू यहाँ इकट्ठा किया जाता था ना, उसका 50% ये मिलिट्री में खर्च करते थे ब्रिटिशर्स। तो इन्होंने कहा कि मिलिट्री एक्सपेंडिचर, मिलिट्री का जो खर्चा है ना उसको थोड़ा कम कीजिए और उसमें से पैसा लेकर, उसमें से थोड़ा पैसा निकालकर भारत की जनता को यहाँ पर दूसरी सर्विसेज, दूसरी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने में पैसा खर्च कीजिए। तो ये एक इकोनॉमिक क्रिटिक के तौर पर सामने आए मॉडरेटर्स, ठीक है। तो ये मॉडरेटर्स थे। इसके साथ साथ ये जो मॉडरेट नेशनलिस्ट थे, इन्हीं के प्रेशर में आकर यहाँ पर कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स भी हुए, जैसे कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 का। एग्जैक्टली जस्टिन, यहाँ पर मॉडरेटर्स ने क्या किया है, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका ही उन्होंने अपनाया है। उन्होंने हमेशा लॉज, जो लॉज होते हैं ना, जो यहाँ पे कानून होते हैं, उनके दायरे में रहकर सारी चीज़ें की हैं, ठीक है। एक्सट्रीम लेवल पर ये कभी भी नहीं गए हैं, हमेशा लॉज के दायरे में रहकर इन्होंने सारी चीज़ें की है, इस वजह से ये मॉडरेटर्स हैं। ओके, एग्जैक्टली संदीप, ब्रेन थ्योरी के बारे में भी दादा भाई नरोजी ने बताया। ओके, तो यहाँ पर इंडियन काउंसिल एक्ट आता है 1892 का। पहले तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे कि हमने यहाँ पर 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट पढ़ा था, आखिर वो क्या था। अगर आपको वो याद है तो ये इंडियन काउंसिल एक्ट भी आप समझ जाएंगे। जल्दी से कमेंट सेक्शन में 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट क्या था। याद नहीं है, मैंने आपको एक सिंपल तरीका बताया था इंडियन काउंसिल एक्ट सारे क्या होंगे। 6-12% नहीं परविंदर, 6-12 मेंबर्स जो हैं वो और ऐड कर दिए गए थे। जो यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल थी ना, उसमें हमने देखा था कि 6-12 मेंबर्स और ऐड कर दिए गए थे, जिसमें नॉन ऑफिशियल्स जो हैं वो यहाँ पर उसमें रिक्रूट किए जा सकते थे, ठीक है। वो चीज़ हमने स्टडी की थी। अब यहाँ इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 का आएगा और वो क्या करेगा, वो इस एग्जीक्यूटिव जो यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है हमारी, लेजिस्लेटिव काउंसिल को उसकी जो गिनती है, उसकी जो मेंबरशिप है, उसको और इंक्रीज कर देगा। पहले आपने 6-12 यहाँ पर पढ़ा था एंड फिर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो मेंबर्स हैं ना, उनकी मेंबरशिप को यहाँ बढ़ा दिया जाएगा। इवन हमने ये भी देखा था कि इंडियन काउंसिल एक्ट जो है वो मेंबरशिप को तो बढ़ा देता है, लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पर जो लेजिस्लेटिव्स हैं उनकी पावर्स जो है वो बहुत कम है। वो यहाँ पर बजट डिस्कस नहीं कर सकते, वो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव्स के किसी काम को क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, वो यहाँ पर एक एडवाइजरी बॉडी के तौर पर ही हैं। इट मीन्स जो काउंसिल एक्ट था वो एक तरह की टॉफी देने का काम था कि भाई इंडियंस को ये भी हो जाए कि हाँ, हम इंडियंस को एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन में ऐड कर रहे हैं, उनका भी पार्टिसिपेशन हम यहाँ पर करवा रहे हैं। और दूसरी तौर पर जहाँ पर भी इंडियंस का पार्टिसिपेशन होता था, उन एरियाज में पावर्स जो हैं वो बहुत कम होती थी, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ होती है। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 का आता है और वो लेजिस्लेटिव काउंसिल की मेंबरशिप को और भी बढ़ा देता है और उसमें नॉन ऑफिशियल्स जो थी, यानी कि भारतीय जो है, वो और भी ज़्यादा ऐड किए जा सकते थे। अब ये जो काउंसिल एक्ट आया, इसके वजह इसको का इतना सपोर्ट नहीं मिला। नेशनलिस्ट ने इसको काफ़ी ज़्यादा इसके अगेंस्ट वो खड़े रहे हैं, इसका काफ़ी विद्रोह किया मॉडरेटर्स ने। एंड उन्होंने ये भी कहा कि आप देख सकते हैं, उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पर अगर रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी, अगर हमारी रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स इन काउंसिल में नहीं हुए,
तो हम यहाँ पर किसी तरह का टैक्स भी नहीं देंगे. नो रिप्रेजेंटेशन, नो टैक्सेशन, ये वाली चीज जो है इन्होंने यहाँ सामने रखी. तो कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स जो है वो भी इस समय में आए हैं. एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की बात करें तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स आए नहीं थे एक्चुअल में. एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स थे कुछ जिसमें ये क्या कर रहे थे, ये सिर्फ यहाँ पर एडवाइस दे रहे हैं. ये यहाँ पर सिर्फ ये कह रहे हैं कि कुछ इस तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स जो हैं वो लाए जाने चाहिए. बट ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स जो हैं वो आए नहीं एक्चुअल मैनर में देखा जाए तो. ठीक है, अब ये कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की अगर हम यहाँ पर बात करें तो अगर आपका डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. अभी ये सेशन यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कुछ एडवाइस जो है वो यहाँ पर सामने रखी गई. जैसे कि उन्होंने कहा कि जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उनसे जुडिशियल राइट्स जो हैं वो छीन लिए जाने चाहिए. इसके साथ साथ यहाँ पर जो फॉरेन पॉलिसीज ब्रिटिशर्स की चल रही थी, उन्होंने बर्मा पर अटैक किया, आसपास की दूसरी कंट्रीज पर अटैक किया, वो सारी फॉरेन पॉलिसीज का इन्होंने विद्रोह किया. तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एक्चुअल में आई नहीं है, ये सिर्फ एक तरीके से मांगे थी जो मांग की जा रही थी इन मॉडरेटर्स के द्वारा. यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर मॉडरेटर्स कर पाए अगर इनके कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करें, इन्होंने यहाँ पर भारतीय जनता को उजागर किया, अवेयर किया सिविल राइट्स के बारे में. उन्होंने यहाँ पर भारत की जनता को ये बताया कि ब्रिटिश रूल आपके ऊपर है, ब्रिटिशर्स एडमिनिस्टर करते हैं, यहाँ पर ब्रिटिशर्स आपके ऊपर रूल कर रहे हैं. तो एज सिटीजन, एक भारत की जनता होने के नाते, नागरिक होने के नाते, आपके कुछ यहाँ पर सिविल राइट्स होते हैं और वो सिविल राइट्स जो हैं वो आपको मिलने चाहिए. इस तरह की चीज़ें जो हैं उन्होंने यहाँ पर सामने रखी. आप देखेंगे कि यहाँ पे एक चीज़ में ये ज़रूर सक्सेसफुल रही हैं. तो ओवरऑल तरीके से अगर मॉडरेट फेस का कंक्लूजन निकालें, अगर मॉडरेट फेस का कंक्लूजन पूरे तरीके से निकालें तो यस, ये सच है, ये बात बिल्कुल करेक्ट है कि यहाँ पर मॉडरेटर्स जो है वो एक्सट्रीम लेवल पर कुछ नहीं कर रहे थे. इन्होंने यहाँ पर ब्रिटिशर्स से गलत उम्मीदें लगा कर रखी थी, लॉज के दायरे में, कानून के दायरे में रहकर ही ये सारी चीज़ें करते थे. लेकिन उसके बाद भी हम कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं भारत की जनता को अवेयर करने में कामयाब रहे हैं कि यहाँ पर इन सभी का कॉमन एनिमी एक ही है, उन सबका एक ही दुश्मन है जो ब्रिटिशर्स हैं. एंड इसी वजह से यहाँ पर नेशनलिज्म की जो भावना है वो भारत की जनता में कहीं ना कहीं वो उजागर करने में कामयाब रहे, जिसकी वजह से आगे आने वाले जितने भी आप यहाँ पर मूवमेंट्स वगैरह देखेंगे उसका जो बेस तैयार करने का काम था वो यहाँ पर मॉडरेटर्स ने ही किया है. ठीक है, मॉडरेटर्स का ड्रॉबैक आदित्य यही था कि ये एक्सट्रीम लेवल पर कोई चीज़ नहीं कर पाए, इन्होंने लॉस के दायरे में रहकर ही सारी चीज़ें की हैं. और मॉडरेट फेज एक तरह से मॉडरेटर्स की जो भी पॉलिसीज़ थी, जो भी उनका तरीका था वो बिल्कुल ही सॉफ्ट था और ये कहीं ना कहीं कामयाब नहीं रहा है. ठीक है, लेकिन उसके बाद भी इंडियंस को एकजुट करने में, उनको कॉमन एनिमी के बारे में बताने में, लोगों को अवेयर करने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा. और इसी वजह से भारत के इतिहास में मॉडरेट फेज ने एक बेस की तरह काम किया है, यानी कि जो पूरा फ्रीडम स्ट्रगल इस बेस के ऊपर खड़े होने वाला है उसका बेस मजबूत करने का काम इसी मॉडरेट फेज ने किया. ठीक है, तो ये पूरा हमारा मॉडरेट फेज था जो कि आज हमने कवर किया. आई होप आपको अच्छा लगा हो, मतलब हमने थोड़ा सा समराइज ही किया है ऑब्वियसली. एंड ये क्रैश कोर्स मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 4 था और नेक्स्ट सेशन में हम पार्ट 5 को कवर करेंगे. ठीक है,
ये चीज जरूर थी कि यहाँ पर मॉडरेटर्स जो है वो आम जनता को सामने नहीं रख पाए, आम जनता यानी कि किसानों के लेवल तक वो नहीं पहुंच पाए, किसानों को अपने साथ नहीं जोड़ पाए, और जब तक किसान यहाँ पर स्ट्रगल में नहीं जुड़ेंगे तब तक किसी चीज में कामयाबी नहीं मिलने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर आम जनता तक वो नहीं पहुंच पाए हैं, यहाँ पर अगर वो अवेयर भी कर पाए हैं तो वो मिडिल क्लास जो लोग हैं वहीं तक उनकी पहुंच थी, और ये सब चीजें हमने यहाँ कवर की। ओके, सो अब हम पार्ट 5 में इसको कंटिन्यू करेंगे, और आगे का जो फेज है जो कि एक्सट्रीमिस्ट फेज है, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग फेज है, क्योंकि आप वहां पर बाल गंगाधर तिलक को देखेंगे और बहुत सारी चीजें देखेंगे एक्सट्रीम लेवल पर होते हुए। वहां पर आप स्वराज्य की मांग देखेंगे कि किस तरह से वो स्वराज्य जो है उसकी मांग करते हैं। ठीक है, सो ये था मॉडरेट फेज जो कि हमने कवर किया, एंड थैंक यू सो मच। लेक्चर 3 में हम सेकेंड फेज करने वाले हैं जो एक्सट्रीमिस्ट फेज है, सो वो 8 मार्च को होगा, तो 8 मार्च को सेम टाइमिंग है 4 PM पर आप आकर यहाँ पर मिल सकते हैं। ठीक है, ओके, आप मुझे अनअकैडमी ऐप पर फॉलो कर सकते हैं जहाँ पर आपको हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर से जुड़े हुए बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे। इसके साथ साथ मैं प्लस के ऊपर प्लस सेक्शन जो है हमारा, वहाँ पर भी मैं यहाँ कोर्सेज ले रही हूँ, लाइव पढ़ा रही हूँ। तो अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन करना चाहें और उसमें 10% का डिस्काउंट चाहते हैं तो आप मेरा रेफरल कोड ARTI1702 यूज़ कर सकते हैं, इससे आपको 10% का डिस्काउंट सब्सक्रिप्शन में मिलेगा। वो जो सब्सक्रिप्शन है उसमें सभी टॉप एडुकेटर्स पढ़ा रहे हैं, प्लस सब्सक्रिप्शन में पूरा दिन जो लाइव क्लासेस होती हैं वो सभी आप वहां पर देख पाएंगे। ठीक है, आप 1 महीने का, 6 महीनों का और 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अगर आप वहां पे फ्री लेसन्स लेते हैं जो ऐप पर अवेलेबल हैं, अगर आप वो देख रहे हैं तो उसमें आप क्रेडिट्स आपको मिलते होंगे, उन क्रेडिट्स से भी आपको कुछ डिस्काउंट यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड, नेक्स्ट सेशन आएगा 8 मार्च को। थैंक यू।